इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओयो रूम्स ऐप के अंदर अगर आप कोई रूम जो है बुक कर लेते हैं बट वो आप उसे फिर कैंसिल कर देते हैं तो उसका रिफ़ंड आपको वापसी मिलता है या नहीं मिलता है, किस किन रीज़नों पर ये मिलता है और क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए, या आपको रिफ़ंड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ऐसा होता क्यों है और किस रीज़न पर हमें रिफ़ंड मिल सकता है हमारा बैलेंस। ठीक है, अगर आप जो है रूम बुक करते हैं और उसमें एटीएम या डेबिट कार्ड वगैरह क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा कर पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट तो आपकी सक्सेसफुली हो जाती है, बट वो आपको अगर कैंसिल करना हो और आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे, मैं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको मिल जाए, ये आपको उनको बोलना पड़ेगा। एक कस्टमर केयर नंबर आता है डिस्क्रिप्शन में, वो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर मुझे ये पक्का मालूम नहीं है कि जो आपका मेरा जो यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर है आपसे मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग जो सिटी हो सकती हैं उनमें अलग हो सकता है, तो मैं भी डिफरेंट हो सकता है। आप यहाँ पर आराम से कस्टमर केयर का नंबर ढूंढ सकते हैं, या आपको जब बुक करते हैं तब भी आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है। तो अब रीज़न क्या क्या रहते हैं जिनकी वजह से आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि डुप्लीकेट कार्ड से भी जो है बुकिंग हो जाती है, मिस्टेकली हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि आप बुक करते हैं और होटल तक पहुंच ही नहीं पाते, वो आपका जो होटल है वो सही जगह पर नहीं रहता है और वो आपको मिल ही नहीं पाता है, तो उस जो पोजीशन होगी उस कंडीशन में आपको जो आपका रिफ़ंड वापस मिल जाएगा। और ऐसे नहीं मिलने का कि आपने बुक किया और लास्ट टाइम पर उसे कैंसिल कर दिया तो वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी तरफ से बुक हो चुका है, पैसे भी पहुँच चुके हैं, तो उस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रिटर्न पाना। तो यहाँ पर ये कंडीशन इसकी रहती है और शायद आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि रिटर्न किस तरीके से ले सकते हैं। आप कंडीशन बताइए ना, वो आपको रिफ़ंड में भी 100% ज़रूर करेंगे। तो ये रहता है ओयो का। और बाकी आप जो है अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली आपके वीडियो में करके बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना होगा तब आपको रिफ़ंड मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।